गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने जो एनसीएफ का थ्योरी देखा, आज हम लोग देखेंगे एनसीएफ के ऊपर जो है जो 2005 है, जो क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आज का जो क्वेश्चंस हमने लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विगत जो एग्जाम्स हैं सीटेट वगैरह उसमें तो बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चंस है वह एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन था ये आपके जो टेट का एग्जाम ही है जो 2022 है उसमें पूछा गया था। तो एनसीएफ से ये प्रश्न था कि एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, जो प्राइमरी लेवल पे है प्राथमिक में वो किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रिपरेशन फॉर हायर मैथमेटिक्स, यानी हम जो बता रहे हैं बच्चों को, तो क्या बहुत बड़ा उसको मैथमेटिशियन बनाना है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन करेक्टिंग कोरिलेटिंग द क्लासरूम एंड इन लर्निंग विद डेली लाइफ, क्या ये सही है, यानी बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो अपना क्या करें जो दैनिक जीवन है उसके साथ उसको जोड़ कर देख सके था, तो ये क्या है, आपका पॉइंट सही है। इसके बाद देखते हैं जो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, क्या बच्चों को हम लोग इसलिए मैथ सिखाते हैं प्राइमरी लेवल पे कि जो वो अपना है अचीवमेंट प्राप्त कर सके, कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा गणितज्ञ बन जाए, नहीं इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं मैथ नहीं सिखा रहे हैं। तो ना ये है ना इसी है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ना ही यही है जो गणित की अमूर्त धारणाएं देने के लिए, हम प्राइमरी लेवल पर किसके लिए सिखा रहे हैं, नंबर 20 का क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे क्या कर सके इस मैथमेटिक्स के द्वारा क्लासरूम के जरिए अपने जो बाहर की जिंदगी है उसके साथ जोड़कर देख सके और अपनी जिंदगी में इसका प्रयोग कर सके। तो नंबर बी क्या आपका राइट है। एनसीएफ 2005 एम्फसाइजेस द मोस्ट इज, किस पे जोर दे रहा है ज्यादातर, टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस, टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, या टू डू मैथमेटिक्स स्पीडली, यानी किस पे एनसीएफ जो है सबसे अधिक जोर देता है, टू सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस, बहुत जो कठिन कठिन प्रश्न है बच्चे उसको सॉल्व कर ले, एनसीएफ ऐसी बातें नहीं करता है, तो आपका ये क्या है गलती, टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, मेमोराइज मेमोराइज मतलब ही तो हो गया रटन, यानी रोट लर्निंग, मेमोराइज पूरा रट रहा है याद कर रहा है, ये भी आपका नहीं है। तो तीसरा क्या है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी क्या करना है ज्ञान के निर्माण पर, यानी एनसीएफ बोल रहा है बच्चे को करने दो सीखने दो, आप ज्ञान नहीं दे रहे हो, बच्चा खुद अपना ज्ञान का क्या कर रहा है सृजन कर रहा है देख करके अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके, तो ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज आपका तीन नंबर क्या इसका सही उत्तर होगा, टू डू मैथमेटिक्स स्पीडली, बहुत तेजी से मैथ कर सके बच्चा इसलिए उसको पढ़ाया जाए, नहीं इस पर जोर वो नहीं देता था। सही उत्तर क्या है आपका नंबर तीन, नंबर तीन क्या है आपका सही, यानी ज्ञान के निर्माण पर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इनहेंसिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो गणितीय संचार साधनों का बढ़ाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संचार साधनों को बढ़ाना क्या है इसमें, तो टू मेक चिल्ड्रेन प्रॉम्प्टली आंसर द क्वेश्चन, यानी ऐसा बनाना जिससे कि तुरंत बच्चा क्या कर सके जवाब दे सके उत्तर दे सके, इसलिए तो क्या हो जाएगा नहीं ये क्या है गलत है, टू इनकरेज डिबेट इन द क्लासरूम, यानी बढ़ाना है इसका अर्थ यही है, एनसीएफ ऐसा बोल रहा है कि बच्चे क्लासरूम में डिबेट करें इसको बढ़ावा दीजिए, इस तरह का बात एनसीएफ में नहीं बताया गया है, टू ऑर्गेनाइज कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, इस चीज की वकालत करता है गणितीय सोच को व्यवस्थित समेकित एवं अभिव्यक्त करना, यानी एनसीएफ ये कहता है यानी गणितीय सोच जो है उसको क्या कर सके बच्चे सोच सके व्यवस्थित कर सके इसके ऊपर डेवलपमेंट हो, ये क्या करता है आपका एनसीएफ करता है, टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ स्टोरीज पोएम्स एंड रामायण मैथमेटिकल क्लासरूम, नहीं इसका भी बात नहीं करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर आपका तीन, नंबर तीन क्या है सही उत्तर है। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज सजेशन फ्रॉम एनसीएफ, कौन सा क्या है नहीं है, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं है सजेशन एनसीएफ द्वारा दिया गया संज्ञा सजेशन और नहीं है लैंग्वेज के बारे में, जो भाषा के बारे में, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वो तो बताया है कि थ्री लैंग्वेज तो बताया है, तीन लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे क्या होगा बहुभाषा बात मल्टी लैंग्वेज कहते हैं ये है, प्राइमरी एजुकेशन इन इंग्लिश ये बात बोला गया है, तो प्राइमरी एजुकेशन इन इंग्लिश यानी जो इंग्लिश में पास नहीं ये बात क्या गया है नहीं बोला गया एनसीएफ में, यह बात क्या है नहीं है, यानी बच्चों को ज्ञान किस में होना चाहिए प्राइमरी उसकी मातृभाषा में करने की बात की गई है या क्षेत्रीय भाषा में
करने की बात की गई है। तो ये क्या है, गलत है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेस्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये भी बात है। इंग्लिश एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इसकी भी बात जो है बहुभाषावाद की बात एनसीएफ करता है। तो क्या नहीं करता है, प्राइमरी एजुकेशन इन इंग्लिश का। तो नॉट था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नंबर टू, यानी जो है प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी में, ऐसा एनसीएफ नहीं बोलता है। इसके बाद है द एनसीएफ आउटलाइन मेनी रिफॉर्म्स फॉर क्यूरिकुलम चेंजेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्यूरिकुलम जो रिफॉर्म्स इज नॉट ए ट्रू, यानी इसमें से कौन सा क्या है सही नहीं है। फिर से आपको बताइए सही नहीं है वो खोजना है। चार ऑप्शन है, चार में से आपके तीन क्या होंगे, सही होंगे। सिविक्स वाज रिफर्ड टू बी नॉन एज पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस के रूप में हम लोग जानते हैं, जो ठीक ही है, राजनीतिक जो है ना, नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है, सिविक्स जो पढ़ते हैं, तो ये सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम क्लास टू टू सिक्स, यानी जो ईवीएस जो है आपका, जो ईवीएस है, ईवीएस कब से दिखाया गया है, क्लास टू से सिक्स का बात कहा गया, तो ये बात क्या है, गलत है। क्लास टू से नहीं है, क्लास टू तक तो कुछ भी नहीं है। क्लास टू तक क्या है, सारे सब्जेक्ट एक साथ है, एक ही किताब होता है, उसमें सब मिक्स होता है, तो क्लास टू तक ऐसा नहीं भाई। ईवीएस की बात है, कब से हो गया, ये थ्री से फाइव की बात बोला गया है, कहाँ बताया गया है, ये थ्री से फाइव तक, तो यही आपका क्या है बताया गया था, नॉट ट्रू। यही क्या है, नॉट ट्रू है, नंबर टू क्या है, नॉट ट्रू है, जबकि यहाँ पे थ्री से फाइव की बात है। तो ये क्या है आपका, एक्सपेरिमेंटेशन एट सेकेंडरी लेवल टू द अंडरस्टैंड द साइंटिफिक थ्योरीज, यानी सेकेंडरी लेवल में उसको एक्सपेरिमेंटेशन करना है, प्रयोग करना है, जाके वो अच्छी से समझ सके, ये भी सही है। रिकमेंडेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन टिल क्लास टेन, जो आर्ट कला की शिक्षा जो है, इसकी सिफारिश की गई है, कहाँ तक, क्लास टेन तक, सभी स्कूल में ऐसा होता है, तो ये बात कही गई है और लागू भी है। तो क्या नहीं है, टू, तो टू ही आपका क्या है, हाँ करेक्ट आंसर है इसके अनुसार। इसके बाद द एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स नो होमवर्क अंटिल क्लास टू एंड देन हाउ मेनी आवर्स पर वीक स्टार्टिंग इन क्लास थ्री, यानी क्लास टू तक तो आपको कोई होमवर्क देना ही नहीं है बच्चों को स्कूल में, ऐसा दिया है, सरकारी स्कूल की बात हो रही है। इसके बाद में क्या है, जो क्लास थ्री के बाद आप होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन कितना, तो पर वीक का बात बताया गया है, पर वीक एक सप्ताह में कितना, हाउ मेनी आवर्स, एक सप्ताह में कितने घंटे का काम क्लास थ्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को देना। तो यहाँ पे है थ्री टू वन या फोर, ये फोर आपका ऑप्शन क्या है, ये नहीं है, तो कितना दे सकते हैं, तो इसमें हो गया है जो दो घंटा, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दो घंटा, क्या हो जाएगा, दो घंटा, यानी एक सप्ताह में सिर्फ दो घंटा, डेली दो घंटा का बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे है मेनी, हाउ मेनी आवर्स पर वीक स्टार्टिंग क्लास, क्लास थ्री से होमवर्क देना स्टार्ट करना है, वो भी दो घंटा करके सप्ताह के अनुसार। इसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज पर द एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ, यहाँ पर वही है कि टीचर का रोल क्या है, लीडर का, इवेल्युएटर का, फैसिलिटेटर का, या ऑल ऑफ द अबव है। तो टीचर क्या काम करता है, लीडर नहीं है, नेता नहीं है वहां का, इवेल्युएटर भी नहीं है, तो क्या है, फैसिलिटेटर। आपको बताया था कि किसका काम करता है, बहुत ही आसान, फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता का काम करता है, जो सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद हो गया व्हाट इज जीरो क्यूरिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जीरो क्यूरिकुलम क्या है, शून्य पाठ्यचर्या क्या है, शून्य इसका मतलब हो गया क्यूरिकुलम व्हिच हैज जीरो ऑब्जेक्टिव, नहीं, क्यूरिकुलम दैट स्टूडेंट डू नॉट लर्न, जिसको नहीं समझ पाता बच्चे, आप पढ़ाया बच्चे समझ ही नहीं पाया, तो क्यूरिकुलम दैट यूज अवॉइड मेथड्स, नहीं, क्यूरिकुलम दैट टीचर्स डू नॉट टीच, इसका अर्थात ये चार नंबर आपका क्या है, सही है। इसका मतलब हो गया पाठ तो है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्लास में पढ़ाते समय, आजकल तो बहुत ज्यादा होता है, जो टीचर है जो आपका लेसन समझा रहे, लेसन बढ़ाए तो क्या करेंगे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई टॉपिक आएगा, नहीं इसको छोड़ दो, ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ही आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसको बस स्किप मार दिया, फिर नेक्स्ट, फिर पढ़ा रहे, फिर स्किप मार दिया, तो जो स्किप कर रहे हैं यानी उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है, यानी आपका क्यूरिकुलम में तो है, बहुत समय तो लेसन ही आउट हो जाता है आपका, मान लीजिए 20 लेसन है, उसमें से 4-5 लेसन आउट कर देंगे, नहीं, क्योंकि समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। तो पढ़ाते समय जिस चीज को, जिस टॉपिक को टीचर क्या करते, डिलीट कर देते हैं, अर्थात उसको नहीं बताते, उसका चर्चा ही नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जीरो क्यूरिकुलम कहते हैं, यानी क्यूरिकुलम दैट टीचर्स डू नॉट टीच, जो टीचर नहीं पढ़ाता है, इसी कहते हैं जीरो क्यूरिकुलम। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर शिफ्ट,
इसमें से कौन सा एक बड़ा शिफ्ट नहीं है, जो बड़ा शिफ्ट नहीं है, बहुत सारे शिफ्ट हुए, यानी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, ऐसा से ऐसा करना है, इस तरह का व्यवस्था था अब इस तरह का व्यवस्था करना है। तो कौन सा बहुत बड़ा व्यवस्था इसमें से, बोले नॉट टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, ये था, ये तो बहुत बड़ी बात है, टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक किया गया, अर्थात जो पहले था जो शिक्षक प्रधान होता था, मुख्य होता था शिक्षक, और बच्चे गौण होते थे, अब ऐसा नहीं है, अब हो गया है कि बच्चा मेन है, यानी बच्चा ही सब करता धरता सब है, यानी बच्चा भगवान का रूप, अब वो बात ही नहीं सही है, स्कूल में जाइएगा तो इसको आपको मानना भी है कि वो जो है उसी के अनुसार हमारा चल रहा है, यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बच्चे के इर्द गिर्द सारा चीज घूम रहा है। तो टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक हो गया, ये बात सही है। लर्नर्स ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन, यानी शिक्षक की दिशा में शिक्षार्थी की स्वायत्तता, ये बात क्या है, सही नहीं है। उसके बाद है पैसिव टू एक्टिव डिसेप्शन लर्निंग, ये सही है, सीखने में निष्क्रिय से सक्रिय स्वागत, यानी पैसिव से अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया है, ये भी राइट है। लर्निंग विद इन फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम टू लर्निंग इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी आपका सिर्फ चार दीवारी में घिरा नहीं रहना है, यानी बच्चों को क्लासरूम में सिर्फ बैठा के ज्ञान दिए जा रहे हैं पढ़ा रहे बच्चे क्लासरूम में नहीं, उसको इस चार दीवारी से बाहर करना है, यानी क्लासरूम का काम खत्म या उसी बीच में बाहर ले जाना है, बाहर की दुनिया से उसको जोड़ना है, आउटर साइड वर्ल्ड से इसकी बात करता है, ये भी है, तो आपका 1, 2, 3 राइट है, यानी ये सब शिफ्ट है। तो नॉट ए मेजर शिफ्ट बताया गया, यानी सभी क्या है, शिफ्ट तो सभी है, सभी को बदलाव क्या गया, मेजर नहीं, ये तीनों क्या है, मेजर है, जबकि 2 क्या है, मेजर शिफ्ट नहीं है, यानी बच्चों के स्वायत्तता तो दिया जाता है लेकिन उतनी नहीं। एनसीएफ 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन, किस चीज पर ये आधारित है, एनसीएफ जो है किस पर आधारित है, व्यवहारवाद है, संज्ञानवाद है, मानवतावाद है, रचनावाद है, तो एनसीएफ क्या है, व्यवहारिज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमैनिज्म, और या क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, यानी 4 नंबर आपका क्या है, सही उत्तर है, रचनावाद, यानी बच्चे खुद रचना करते हैं हर चीज का, ज्ञान का रचना खुद करते हैं, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे आपका एनसीएफ आधारित है। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर, लर्निंग कैसा है, सीखना क्या है, एक्टिव सोशल, पैसिव सोशल, पैसिव सिंपल, एक्टिव सिंपल, हमने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव में, नहीं आपने देखा था पहले आप जाकर के, और जो पिछला वीडियो उसको आप देख सकते हैं कि किस वर्ड को नेगेटिव और किसको पॉजिटिव समझेंगे, तो जहां पे आपका पैसिव आ रहा है वो तो ऐसा ही भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। अब एक्टिव और सोशल है, एक्टिव और सिंपल है, सिंपल नहीं हो सकता था, क्या हो जाएगा ये, एक्टिव एंड सोशल, इसमें क्या जाएगा, नंबर 1 राइट है। इसके बाद है डैश थ्योरी इज द प्रेमिस ऑफ द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज क्यूरिकुलम, यानी जो सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, इसमें है आपका जो एक्सपेरिमेंटलिज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कॉग्निटिविज्म है, बिहेवियरिज्म है, तो कौन सा आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा प्रयोगवाद, सामाजिक रचनावादी, संज्ञानात्मकवाद या व्यवहारवाद, किसमें है, डैश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, यानी हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है जो आपका एनसीएफ है, और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है, पर्यावरण जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज जो ईवीएस है उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या होता है आपका सोशल, आपका क्या होगा सोशल, यानी क्या होगा सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, क्या हो जाएगा सामाजिक रचना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो 2005 है टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम, अब इसमें मेजर शिफ्ट क्या है, पहले हमने बताया कौन सा जो मेजर शिफ्ट नहीं है, तो उसमें 3 था जो मेजर शिफ्ट था, अब है इसमें 4 में से 1 है जो मेजर शिफ्ट नहीं है, क्या है, टॉक्स ऑफ द मेजर शिफ्ट, एक है जो मेजर शिफ्ट है, बाद बाकी तो शिफ्ट होगा ही, तो नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, एजुकेशनल फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, लर्नर्स सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, नॉन ऑफ दीज, बताया गया, तो 4 तो ये हटाइए, इसमें बोला कौन सा क्या है मेजर शिफ्ट है, यानी दिया गया और निश्चित ज्ञान जैसे जैसे विकसित होता है और निर्मित होता है, अर्थात यानी बच्चे के पास जो ज्ञान है उसके बाद जो और ज्ञान दे रहे हैं, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा और विकसित होगा और उसका कंस्ट्रक्शन होगा और वो क्या कर निर्माण करेगा और खोजेगा और विकास होगा, तो ये क्या है बहुत बड़ा बात है, यानी एनसीएफ कहता है करके सीखने पे बल देता है, खुद क्रिएटिविटी पे बल देता है, रचनावाद पे बल देता है, तो ये वही है, तो नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड,
तो क्रिएशन पे बल देता है, यानी क्या, यह बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है। एजुकेशन फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस है, शैक्षणिक फोकस से अनुशासनात्मक यह नहीं है, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक ये भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही आपका राइट था और बाद बाकी तो ऑप्शन ही गलत है, एक क्या है सही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 वाज प्रिपेयर्ड बाय, यानी किसके द्वारा तैयार किया गया, यानी कौन सी संस्था है जो इसको बनाया, इसका दायित्व लिया और इसको रेडी किया, NAAC, NCT, NCERT, MHRD। तो ये मिनिस्ट्री ने किया, तो कौन किया, हमने आपको बताया था कि NCERT किसने किया था, ये NCERT ने इसको तैयार किया था। इसके बाद है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एज पर NCF द टीचर इज द को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, टीचर क्या है, को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, इसका मतलब क्या है, शिक्षक ज्ञान का सह निर्माता है, यानी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वो ज्ञान का सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है, ज्ञान का सोर्स वो नहीं बोल रहा है, क्या करा है, को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज यानी सह निर्माता है। इससे आप कितने सहमत हैं बता रहा है, तो NCF बोला है, NCF में से बात किया गया, फैसिलिटेटर है, सुगम करता है, यानी वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, तो पार्शली एग्री, एग्री है, स्ट्रॉन्गली एग्री या नॉट एग्रीड है, इससे क्या है, NCF हाँ ऐसा बोलता है, तो हम लोग क्या इसमें लगाएंगे, स्ट्रॉन्गली एग्री यानी दृढ़ता पूर्वक सहमत हो, इससे इस बात से पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट है, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बायलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ, यानी जो कई सारे भाषाएं, कई दर से पता चला है कि द्विभाषी दक्षता के स्तर को बढ़ाती है, क्या, कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग या ऑल द अबव, यानी द्विभाषी अर्थात जो आके कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग तरह के भाषा बोलते हैं, तो बच्चे भी सीखेंगे, बात करेंगे, ये क्या बढ़ाएगा, तो बच्चे अपना भाषा जान रहे, उससे बात करें, उसके कुछ भाषा है उसको सीखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके संस्कृति के बारे में सोचेंगे, तो बच्चा का क्या विकास होगा, उसमें क्या कॉग्निटिव ग्रोथ होगा, तो संज्ञानात्मक विकास होगा, तो होगा क्योंकि नया भाषा सीख रहा है, नया नॉलेज ले रहा है, नया संस्कृति के बारे में जान रहा है, उसका दिमाग का विस्तार होगा, तो ये कॉग्निटिव ग्रोथ होगा। सोशल टॉलरेंस होगा, उसमें सामाजिक सहिष्णुता हाँ होगा, क्योंकि वो विभिन्न तरह के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक साथ बैठ रहा है, जान रहा है, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं उसके हाथ, उसकी सामाजिकता भी बढ़ेगी, हाँ टॉलरेंस भी बढ़ेगा, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग यानी विविध सोच होगा, यानी उसकी सोच ही बढ़ेगा, बहुत तरह से सोचेगा, हम ऐसे रहते हैं, वो ऐसा रहता है, वो इस तरह का काम करता है, हाँ तो इसका संस्कृति अलग अलग है, तो सी भी सही है, तो आपका तीनों ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल द एबव जितना है सब राइट है। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर NCF 2005 द क्रिएशन ऑफ, यानी जो अंग्रेजी जो पढ़ाते हैं, अंग्रेजी जो भाषा बच्चों को सिखाते हैं, तो 2005 में इसका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, बायलिंगुअलिज्म या मल्टी या इंग्लिश ओनली या क्या है, तो किस लिए सिखाते हैं, द्विभाषावाद है, बहुभाषावाद है, तो इंग्लिश सिखाने का तात्पर्य जो है प्राइमरी लेवल में जो NCF के अनुसार है वो क्या है, बहुभाषावाद यानी मल्टी लिंग्विज्म, यानी आपका सही उत्तर क्या जाएगा, नंबर बी। MLL स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या होगा, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, None of the above, इसका सही फॉर्म हो जाएगा सीखने का न्यूनतम स्तर अर्थात मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी ऑप्शन ए जो है क्या है वो सही है, ऑप्शन ए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school, यानी ये जो बात किया गया, NCF ये बोल रहा है कि बच्चा, यानी किसी बच्चा का आपने स्कूल में कम मार्क्स दिया, उसको फेल कर दिया, तो NCF क्या बोल रहा है इस बारे में, NCF बोल रहा है कि वो बच्चा फेल नहीं हुआ है, आपका सिस्टम फेल हुआ है, आपका स्कूल फेल हुआ है, यानी आप उस बच्चा को इस लायक नहीं बना सके कि बच्चा क्या करे, आपका पास कर सके, अर्थात तो जब आप नहीं बना पाए तो ये स्कूल की फेल्यूर है, असफलता है, तो बच्चे को दोष NCF कभी नहीं देता है, यानी बच्चा क्या है कुछ नहीं जानता, आपको उसको सिखाना है, आपको बताना है, तो इसीलिए बताया गया कि NCF ने बताया कि बच्चा फेल हो गया, ये किसका फेल्यूर है, स्कूल का फेल्यूर है, ये NCF बोल रहा है, इस बात से आप कितना सहमत हैं, तो एग्री स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गली एग्री करना है, क्योंकि आप इससे पूर्णतः सहमत हैं, यदि आप ना भी हो तो भी आपको यही लगाना है, क्योंकि यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी आप मान लीजिए तो आप कहिएगा अच्छा तो तर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना, NCF जो बोल रहा है बस हमको वो मान लेना है,
आंसर आपने ऐसा बोला, अच्छा आपने सही बोला, ठीक है, क्योंकि आप वही आंसर दिए तो नंबर मिलेगा। अब एक बच्चा है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, अब तो हमारा शिक्षा व्यवस्था ये भी कहता है, यानी मान लो 10 साल 15 साल तक स्कूल नहीं गया, उसके एज के अनुसार आ गया, आप डायरेक्ट उसको क्लास 7 में भर्ती कर लिए, कुछ सीखा ही नहीं, अब तो कह रहा है शिक्षा व्यवस्था में एडमिशन लेना है। अब फिर क्या हुआ, जो डायरेक्ट एडमिशन ले लिया कुछ नहीं जान रहा, उसका एग्जाम लीजिएगा 2 महीना 4 महीना में, तो कुछ नहीं समझेगा, तो हो गया फेल। एनसीएफ तो कर रहा, वो फेल नहीं हुआ, फेल तो आपका स्कूल हुआ, तो आप कहिएगा कैसे होगा, तो नहीं, तो तर्क नहीं करना है, बस एनसीएफ ने बोल दिया, बस हमको मान लेना है, ठीक है। तो डीपीईपी स्टैंड्स फॉर, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्रिपरेशन फॉर एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। इसके बाद है, नेक्स्ट है, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रेन विद इन, यानी जो शिक्षक है वो बच्चे में मतलब किस तरह से उसको समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या देखना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल है, या पॉलिटिकल है, या ऑल ऑफ द अबव है, यानी बच्चे जो देखेंगे सामाजिक संदर्भ है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी, तो शिक्षक को चाहिए बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के सभी चीज को वो समझ जाए, यानी उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी, कल्चरल भी, सभी को इज्जत भी करना चाहिए, तभी क्या करेगा बच्चा सहज महसूस करेगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, नंबर डी। नेक्स्ट है, एनसीएफ ड्रॉ अटेंशन टू अदर क्यूरिकुलर एरिया सच एज द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, एबव में है, तो किस तरफ है ध्यान जो आकर्षित कर रहा है एनसीएफ, किस तरफ, तो इसमें से द आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट जो है इसके भी तरफ है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इस पर भी ध्यान दे रहा है, पीस एजुकेशन जो शांति शिक्षा है इस पर भी दे रहा है, यानी तीनों पे एनसीएफ क्या कर रहा है, ये तीनों की बात करता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन, अर्थात एनसीएफ के अनुसार जो आपके लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है ये खुला रहना चाहिए, कब खुला रहना चाहिए, तो ऑन स्कूल आवर्स ओनली, जो केवल स्कूल आवर्स में, यानी मान लीजिए स्कूल जितना से टाइम चल रहा है उसी समय लाइब्रेरी खुला रहेगा, स्कूल बंद लाइब्रेरी बंद। ड्यूरिंग वेकेशन, जो आपका छुट्टी होता है समर वेकेशन या कोई भी वेकेशन हो उसमें खुला रहना चाहिए, एनसीएफ बोल रहा है। आफ्टर स्कूल आवर्स आल्सो, यानी स्कूल बंद हो या उसके बाद भी लाइब्रेरी खुला रहना चाहिए, या ऑल द एबव, तो कौन सा सही है एनसीएफ के अनुसार, तो यहाँ पे यदि आप दिमाग लगेगा तो आप कहेगा ऑन स्कूल आवर्स ओनली, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीएफ कहता है आपका लाइब्रेरी सब समय खुला रहना चाहिए, आपका सही उत्तर जाएगा नंबर डी, यानी स्कूल आवर्स में तो खुला ही रहना चाहिए और जो छुट्टी है उस समय भी खुला रहना चाहिए। मान लीजिए 1 महीना के स्कूल ने छुट्टी दे दिया, बच्चे घर में है, अब अपना पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, यदि लाइब्रेरी खुला रहेगा तो वहां जा करके वो जो मनपसंद किताब ला सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसका ज्ञान में वृद्धि हो सकता है। यही बताया आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल के बाद भी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल आवर में बच्चे व्यस्त रहते हैं बहुत, यानी आपके कक्षा में जो काम है, खेलने में, दोस्त के साथ इधर, यानी स्कूल के बाद उसको समय मिल रहा है, यदि स्कूल के बाद यदि लाइब्रेरी खुला नहीं रहेगा तो वहां से पुस्तक नहीं ला पाएगा, इसीलिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ आपको ये तीनों ही सही है, यानी ऑल द अबव। व्हाइल कंसेप्चुअलाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फसाइजेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन पे, ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस पे, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट है, स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशंस, यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया, यानी स्टिमुलस रिस्पांस, यानी हमने उद्दीपन किया उसका जो प्रतिक्रिया आया इस पे, यानी टीचर ने कुछ कहा फिर बच्चे ने कहा, यानी इस तरह से उद्दीपन नहीं, तो ये क्या है आपका एनसीएफ ऐसे बात नहीं कर रहा है। रोट मेमोराइज किसी में बात ऐसा जितना भी शिक्षा नीति आ रहा है उसमें, या जो रोट लर्निंग है या मेमोराइजेशन इसकी बात नहीं की गई है। ड्रिल एंड रिपीटेड, तो ड्रिल मेथड जो है इस पे एनसीएफ सहमति नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, एनसीएफ क्या बोल रहा है नंबर वन, तो आपका नंबर वन क्या है सही है, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। तो नैरेटिव्स हैव बीन इंक्लूडेड एक्सटेंसिवली इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स इन ऑर्डर टू, यानी जो व्याख्यान है
जो ईवीएस पाठ पुस्तक में आख्यानों को बड़े पैमाने पर शामिल किया, किसमें? फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द एनसीएफ 2005, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो क्या है, पहला तो सही है, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द एनसीएफ, तो आप बोल ही रहा है, तो एनसीएफ के अनुसार तो आपका उस गाइडलाइंस को मानना ही पड़ेगा, यानी पहला क्या आपका सही है। उसके बाद है इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये भी सही है कि मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाएं, यानी मौलिक अवधारणाएं बढ़ाना चाहिए, मौलिक अवधारणाएं बढ़ेगा तो भी क्या होगा, ज्ञान का निर्माण होगा। इसके बाद है प्रोवाइड इंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी सिखा रहे हैं उसमें तो आपको इंजॉयमेंट होना ही चाहिए, आप ऐसा माहौल प्रदान करें जिससे बच्चे आनंद पूर्वक सीख सके, यानी इसकी भी क्या है वकालत करता है आपका एनसीएफ। एबीसी आपका तीनों राइट है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी ये जो है संचार कौशल विकसित करना बच्चों में, ये आपका एनसीएफ क्या है नहीं करता है, यानी डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स, यानी आपका क्या है डी रॉन्ग है, यानी यहाँ पे तीनों सही है। तो नैरेटिव्स हैव बीन एक्सक्लूडेड एक्सटर्नली इन ईबीएस टेक्स्ट बुक्स इन ऑर्डर टू, तो आपका ए बी सी यहाँ पे तीनों सही। अच्छा, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है नंबर टू ए बी सी, ये तीनों सही है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आर्ग्यूज फॉर अ मैथमेटिक्स करिकुलम व्हिच इज एम्बिशियस व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट दिस विजन, यानी जो महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस है इसके बारे में आपको क्या बता रहा है, बोल रहा है जो पाठ्यक्रम के लिए तर्क देती है जो महत्वाकांक्षी है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्यात्मकता में जो क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है, या करिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी इन न्यूमेरेसी यानी संख्या मान, यानी एक दो तीन चार पाँच दो दो चार ये जो सीख रहा है इसमें बढ़ोतरी करना क्या जरूरी है। करिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स इनर रिसोर्स टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, यानी वो क्या कर रहे हैं अपने भीतर की जो शक्ति है उसको पहचाने अपनी सोच को और उसको समस्या का समाधान करें। नंबर बी एनसीएफ ऐसी बात तो करता है। क्यूरिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल्स, क्या वो मैथमेटिकल पजल जो हार्ड समस्याएं हैं जो गणित का उसको समाधान करें, तो एनसीएफ इसकी वकालत नहीं करता कि आप कठिन से कठिन जो मैथमेटिक्स के सवाल हैं उसको सॉल्व कीजिए, इसकी बात नहीं करता है। और ये भी नहीं कहता है कि आप सिर्फ संख्याएं सीखें। नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी इन न्यूमेरेसी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, क्यूरिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स इनर रिसोर्स टू थिंक, यानी नंबर टू केवल बी जो इसका क्या है सही उत्तर है। इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं, आपको बताया जो प्राइमरी लेवल पर 3 to 5 यह है प्राइमरी लेवल, 3 से क्लास 2 तक तो नहीं होता ईवीएस, 3, 4, 5 में हम लोग पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या है टू डेवलप एंड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू, यानी जो उसका जो परिवेश है पर्यावरण है इसके ऊपर उसको क्या करना है इसके बारे में बताना है, सचेत करना है, अवेयरनेस उत्पन्न करना है कि किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है या किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पार्शियली पार्टिकुलरली इन रिलेटेड टू द नेचुरल एनवायरमेंट, या बच्चों के भीतर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है वातावरण के बारे में, छोटे बच्चे हैं तो जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है धुआं क्यों है बादल क्यों बन रहा है, वह जानना चाहेंगे, तो उसका जो क्यूरियोसिटी है जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए हम एनवायरमेंट के बारे में नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में बताते हैं। टू इनहेंस चिल्ड्रेंस लर्निंग कैपेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग अ कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंस या टू प्रोवाइड लीनियर एक्सपोजर टू स्टूडेंट, तो टू प्रोवाइड लीनियर एक्सपोजर टू स्टूडेंट नहीं, लीनियर एक्सपोजर नहीं, तो एक ही सीध रेखा में सिर्फ बताने के लिए नहीं, बच्चे में क्या होता है कभी कभी ज़्यादा सीखते हैं कभी कम सीखते हैं या उसकी जिज्ञासा कभी ज़्यादा होती है कम होती है, तो ये अप डाउन होता रहता है, सिर्फ एक ही सीध रेखा में उसको बताने के लिए हम बच्चे करते हैं, तो ये डी नंबर क्या है नहीं है। तो आपका ए बी और सी तीनों ही क्या है सही है, तो आपका राइट क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी एक नंबर क्या है जो है एक नंबर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्राइमरी स्टेज मैथमेटिक्स करिकुलम शुड लीस्ट फोकस ऑन, अच्छा इसमें क्या बताया गया है, जो प्राइमरी लेवल पर जो हम मैथ बताते हैं बच्चों को तो उसमें क्या बताया, करिकुलम शुड लीस्ट फोकस यानी सबसे कम फोकस किस बात पर करनी चाहिए,
सबसे कम की बात यहाँ पे बताया गया है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिलेवेंट मैथमेटिकल वोकेबुलरी, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन पैटर्न्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम। तब बताया रहा जो प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास यानी वोकेबुलरी का, तो बच्चों को अच्छा मैथ हम बता रहे हैं या दूसरा चीज भी, जो वोकेबुलरी उसका जो शब्दावली है शब्दकोश, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तो समझ ही नहीं पाएगा। तो कोई भी चीज जैसे प्लस है, जोड़ है, घटाव है, गुना भाग है, जब इसके बारे में नहीं बताएंगे तो समझेगा नहीं कि कब क्या करना है। हम सिर्फ नंबर दे दिए तो समझ नहीं पाएगा। तो मैथ से रिलेटेड जितने भी शब्द है उसका इनरिचमेंट होना बच्चों में बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इस पर हमको फोकस देना है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये भी है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी जो स्थानिक समझ का विकास करना। मान लीजिए कोई पैटर्न वगैरह दे दिया, कोई भी चीज़ है उल्टा पुल्टा करना, कौन कहाँ पे पोजीशन का पता लगाना, ये भी बच्चों में जरूरी है मैथ के विकास के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न जो कि क्लास वन से या उसके छोटे बच्चों को भी दिया जाते हैं, कभी ट्रेंगल देते हैं, स्क्वायर देते हैं, रेक्टेंगल देते हैं, इसको सजाओ क्या होगा, या देते हैं उसके बाद क्या आएगा, यानी एक सिक्वेंस दे देते हैं उसके बाद देखते हैं, गैप दे देते हैं, हाँ किताब में भी रहता है तो बच्चे उसको फील करते हैं। तो पैटर्न बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में, तो ये ज़्यादा फोकस इस पे हमको देना है। चौथा क्या बोल रहा है, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लॉगरिदम एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नहीं, अब हम यहाँ क्या प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी उसको हम क्या है स्टैंडर्ड एल्गोरिदम एक दे दिए नियम, इसके अनुसार ये बनेगा, उसके अनुसार वो, एक नियम के तहत चलो, फॉर्मूला के तहत नहीं, ये जरूरी नहीं है प्राइमरी लेवल पे। तो जरूरी है आपका ये तीन, तो बताया गया लिस्ट फोकस, तो क्या है नंबर चार इसका उत्तर होगा, जो गलत है वही आपका उत्तर होगा, लिस्ट फोकस करना है इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 जो है एनसीएफ का, इसमें मैथमेटिक्स एजुकेशन का मेन गोल बताया है, मुख्य रोल क्या है, मुख्य जो उद्देश्य क्या है, यानी बच्चों को जो हम प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं किस लिए, डेवलपिंग न्यूमेरेसी स्किल्स इन लर्नर्स जो उसमें है, संख्यात्मक कौशल का क्या हो विकास हो, क्रिएटिंग एम्प्लॉयबल एडल्ट फॉर द कंट्री यानी जो देश के लिए जो रोजगार योग्य जो वयस्क है ये तैयार करना है, इसीलिए हम बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। आस्किंग एवरी चाइल्ड टू सॉल्व टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी बच्चों से कहना कि जल्दी जल्दी सभी जो जितने भी हैं टेक्स्ट बुक में फटाफट सभी को समाधान कर लो, यानी सारा मैथ बना डालो। तो क्या इसलिए बच्चों को मैथ सिखाया जाता है, या मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थॉट प्रोसेस यानी बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण, यानी जहां पे भी आपका ये उत्तर आए मैथमेटाइजेशन आप समझ जाइए कि यही आपका सही उत्तर होगा, गणितीयकरण यानी बच्चे का जो विचार है उसके थॉट है यानी उसको परिवर्तन करना, किस तरह से बच्चे सोचता है यानी थिंकिंग, यानी फिर से वही आ जाएगा क्रिएटिविटी, यानी बच्चे जब सोच रहा है क्रिएट कर रहा है क्रिएटिविटी उसमें उत्पन्न हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है कैसे करना है खुद से सोच रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर चार। ये क्या है मुख्य गोल है, अब ये क्या है मेन गोल का बात क्या है, आप डेवलपिंग न्यूमेरेसी स्किल्स लर्नर ये तो करना ही है, नंबर का ज्ञान जो है संख्या का ज्ञान बच्चों को देना है, लेकिन मेन गोल सिर्फ संख्या का ज्ञान नहीं देना है, यहाँ पर मेन गोल का बात, तो क्वेश्चन भी देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसका क्या सही उत्तर होगा वो भी अच्छा से सोच के देना है। तो ये आपका चार नंबर क्या है सही उत्तर है। इसके बाद जब देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्किल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन विजुअल लर्निंग, विजुअल लर्निंग यानी जो दृश्य है दृश्य शिक्षण यानी है उससे संबंधित नहीं है, बोल रहा है स्किल्स आर नॉट इन्वॉल्व यानी विजुअल लर्निंग, जैसे आप देखते हैं डेटा हैंडलिंग ये जो कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है विजुअलाइजेशन है डिडक्टिव रीजनिंग है, तो किसमें विजुअल लर्निंग नहीं है, तब डेटा हैंडलिंग जब आप करिएगा बच्चों को सिखाइएगा ये तो विजुअल लर्निंग है, क्योंकि डेटा हैंडलिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं विभिन्न तरह का जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं चार्ट बनाते हैं यानी डेटा इसमें इनपुट करते हैं बताते हैं, तो इस तरह से बच्चों को दिखा दिखा के बताना है, इसमें तो क्या है डेटा हैंडलिंग में आपका दृश्य है यानी देखता है देखेगा तो बच्चे सीखेगा। रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज को जब रिप्रेजेंट करेंगे यानी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना मतलब बच्चों को दिखाना करके दिखाना, जब करना है तो बच्चे देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो विजुअल है, तो ये भी हो जाएगा नंबर टू भी क्या है विजुअल है। उसके बाद नंबर थ्री क्या है विजुअलाइजेशन, ये तो अपने में विजुअलाइजेशन है यानी क्या है दृश्यावलोकन, ये तो होगा ही। नंबर तीन
नंबर चार क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, यानी डिडक्टिव रीजनिंग क्या है जिसके लिए आपको दृश्य की जरूरत नहीं है, यानी देखने की, हम डायरेक्ट बच्चों से क्या कर सकते हैं, बोल करके या संकेत देख करके बच्चों को जो फॉर्मूला दे करके बता देंगे, इसमें से ये करो तो ये माइनस करो तो इतना आ जाएगा, फॉर्मूला दे दिया, यानी इसके लिए जो विजुअल लर्निंग की जरूरत नहीं है। तो नंबर चार बोल रहा है यार नॉट, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, नंबर चार सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सही है और ये गलत है, इसीलिए आपका नंबर चार क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हायर एम क्या है, आपने देखा था मेन एम, अब क्या है, हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर टेक्निकल प्रोफेशंस, यानी बच्चे को तैयार करना जो तकनीकी व्यवसाय के लिए, जिससे अपने भावी जीवन में क्या कर सके, काम कर सके। टू हेल्प द लर्नर्स एक्वायर सोशल एंड मॉरल वैल्यू टू लीड द फ्रूटफुल लाइफ इन द सोसाइटी, यानी मॉरल वैल्यू उसमें तैयार करना जिससे वो अपना जो जीवन है शांति या पूर्ण तरीके से खुशी खुशी जी सके। टू हेल्प लर्नर्स टू डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो है रचनात्मक का जो है अपने अंदर कर सके, शिक्षार्थी को तर्क और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करना, या टू डेवलप लाइफ स्किल रिलेटेड टू लेवलीहुड अमंग लर्नर्स। तो टू डेवलप लाइफ स्किल रिलेटेड, तो साधारण तौर पर हम देखते हैं तो क्या है, हम देखते हैं तो टू प्रिपेयर द लर्नर्स फॉर टेक्निकल प्रोफेशन, तो ये देखते हैं हाँ इसीलिए तो सिखाते हैं, तो बच्चों को तैयार करते हैं जाके वो नौकरी करेगा, इस काम में जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा, या टू डेवलप लाइफ स्किल सिखाते हैं या मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, नहीं, प्राइमरी लेवल पे हम जो बच्चों को या मैथमेटिक्स जो सिखाते हैं उसका हायर एम ये नहीं है, उसका हायर एम क्या है, टू हेल्प लर्नर्स, उसको सहायता प्रदान करना, टू डेवलप रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जहां भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिएशन, निर्माण करना, निर्माता, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका नंबर थ्री क्या है, राइट, यही क्या है मैथमेटिक्स का हायर एम है। तो ये देखा आपने, ये क्या था जो इससे इम्पोर्टेंट, जो एनसीएफ है उससे इम्पोर्टेंट क्या था, आपका एमसीक्यू था, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो 2022 में जो आया था उसने हमको दिखाया था आपको, जो डब्ल्यूबी टेट में आया था। तो आप पहले थ्योरी क्लास देखिए, फिर क्या देखिए, इसका जो एमसीक्यू है वो देखिए, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, और आप देख करके इतना समझ जाएंगे कि किसी भी तरह का प्रश्न आए आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इसके अलावा हम लोग का जो है एक काबिल अकेडमी का ऐप है, इसे आप जाकर के जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे आप देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे कई तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, हम लोग पहले से इस कोर्स को चला रहे हैं, जिसमें क्या डब्ल्यूबी टेट जो है ये आपका हिंदी और इंग्लिश वर्सन दोनों में आपको प्राप्त हो जाएगा। हिंदी वर्सन में नहीं लगता कि डब्ल्यूबी टेट आपका वेस्ट बंगाल में कहीं आपको प्राप्त होगा, इसीलिए आप यहां से देख सकते हैं। डब्ल्यूबी एसएससी जो सिर्फ अपर प्राइमरी का है उसका हम लोगों ने बहुत पहले शुरू किया, उसमें भी बहुत सारे जो हम लोग ने वीडियो डाले हैं, बहुत सारे जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश वर्सन ये दोनों में ही है। इसके बाद जो बंगला वर्सन है उसको भी हम लोग बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, इसका भी मटेरियल आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा, किसका, डब्ल्यूबी टेट यानी अर्थात जो प्राइमरी का जो आने वाला है दिसंबर में एग्जाम, इसके लिए हम लोग बंगला वर्सन भी देंगे। तो आपको हमारे इस चैनल पर हिंदी इंग्लिश और बंगला तीनों वर्सन का जो है स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा प्ले स्टोर में, वहां से काबिल अकेडमी, इस तरह से आप देखिएगा लोगो बना होगा, इस तरह से आप स्पेलिंग देखिए, वहां से यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह का आपका वहां पे खुलेगा पेज, जिसमें देखिएगा WBSSC है जो अपर प्राइमरी के लिए है, और जब आप देखिएगा इस तरह WB टेट अर्थात ये प्राइमरी के लिए है, इस पर से आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके जैसा आपको प्रोसेस बताएगा देखिएगा, और वहीं से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप हमको देख पा रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा और भी जो आने वाला वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।